दोस्तों इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं अडानी ग्रुप के बारे में। लास्ट ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो अडानी ग्रुप की परफॉर्मेंस मिक्सअप हमें देखने को मिली थी, जहां पर अडानी ग्रुप की कुछ कंपनियों के अंदर हमें तेजी देखने को मिली थी तो कुछ कंपनियां नेगेटिव क्लोज होते हुए देखने को मिली थी, जिसमें अगर आप देखेंगे तो ACC, अडानी इंटरप्राइजेस, अडानी पावर, अडानी वेलमार, अंबुजा सीमेंट और NDTV हमें पॉजिटिव क्लोज होते हुए देखने को मिले थे। वहीं अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी पोर्ट्स, अडानी टोटल गैस और अडानी ट्रांसमिशन हमें नेगेटिव क्लोज होते हुए देखने को मिले थे। आज के दिन मार्केट क्लोज है, लेकिन आज के दिन अडानी ग्रुप को लेकर सेबी की तरफ से एक बड़ी अपडेट हमें आते हुए देखने को मिल रही है, इसके चलते मंडे के दिन अडानी ग्रुप के ऊपर अगेन हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं कि ये जो न्यूज़ निकल कर आई है ये रिपोर्ट के जरिए देखने को मिल रही है, सेबी ने डायरेक्ट आकर ये न्यूज़ नहीं दी है। यानी कि सेबी के अंदर जो अडानी ग्रुप के ऊपर टीम इन्वेस्टिगेशंस कर रही है उसमें दो मेंबर्स की तरफ से ये अपडेट हमें देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं सेबी प्रॉबिंग सम अडानी ऑफशोर डील्स फॉर पॉसिबल रूल वायलेशंस। तो आज के दिन ये अपडेट देखने को मिल रही है, इंडिया मार्केट रेगुलेटर इज इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल वायलेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस रूल इन द अडानी ग्रुप डीलिंग विद एटलीस्ट 3 ऑफशोर एंटिटीज दैट हैव लिंक्स टू द ब्रदर ऑफ द कॉन्ग्रेट फाउंडर टू पीपल सेट। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी अपडेट्स हमें देखने को मिल रही है। जैसा कि आपको पता है कि हिंडनबर्ग की तरफ से भी जो रिपोर्ट निकल कर आई थी उसमें भी अडानी ग्रुप के ऑफशोर डीलिंग को लेकर यहाँ पर क्वेश्चन रेज किए गए थे कि मॉरिशियस में अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन है गौतम अडानी, उनके ब्रदर विनोद अडानी इनडायरेक्टली तरीके से अडानी ग्रुप की कंपनियों में खरीदारी कर रहे हैं और यहाँ पर जो अडानी ग्रुप की शेयर प्राइस है उसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। तो उसको लेकर आज के दिन सेबी ने एक बड़ी अपडेट हमें देखने को मिल रही है कि सेबी ऑफशोर डीलिंग के मामले में यहाँ पर इन्वेस्टिगेशंस करने वाला है। काफ़ी बड़ी अपडेट हमें आज के दिन आते हुए देखने को मिल रही है, इन्वेस्टिगेटिंग पॉसिबल वायलेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन रूल इन द अडानी ग्रुप्स डीलिंग विद एटलीस्ट 3 ऑफशोर एंटिटीज। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट हमें आते हुए देखने को मिल रही है। द 3 एंटिटीज एलिगली इंटर इंटू सेवरल इन्वेस्टमेंट ट्रांजेक्शन विद अनलिस्टेड यूनिट्स ऑफ द पोर्ट्स टू पावर कॉन्ग्रेट फाउंडेड बाय बिलियनियर गौतम अडानी ओवर द लास्ट 13 ईयर्स। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन का अगर रूल्स यहाँ पर वायलेट होता है तो अल्टीमेटली अडानी ग्रुप की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ते हुए हमें देखने को मिल सकती है। वही अनदर अपडेट की बात करें तो अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स को लेकर एक और बड़ी अपडेट आज के दिन हमें आते हुए देखने को मिल रही है, जिसमें आप देख सकते हैं विजिनजम पोर्ट ब्रेक वाटर केरला हैंड्स ओवर ₹100 करोड़ टू अडानी ग्रुप। तो यहाँ पर केरला गवर्नमेंट ने अडानी ग्रुप को ₹100 करोड़ यहाँ पर दिए हैं। किस चीज़ के ये अमाउंट यहां पर दिया गया है तो आप देख सकते हैं, द केरला गवर्नमेंट हैज हैंडेड ओवर ₹100 करोड़ एज इट्स शेयर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रेक वाटर विच इज पार्ट ऑफ विजिंगम पोर्ट प्रोजेक्ट। तो यहां पर जो कंस्ट्रक्शन के काम के लिए जो पोर्ट प्रोजेक्ट है उसके लिए यहां पर केरला गवर्नमेंट ने ₹100 करोड़ यहां पर सेंशन करें अडानी ग्रुप को। दिस अमाउंट इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो यहां पर जो टोटल अमाउंट सेंशन किया गया था वो था ₹347 करोड़ का, जिसमें से फर्स्ट पार्ट जो है वो ₹100 करोड़ का वो अडानी ग्रुप के हाथ में आते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी अपडेट हमें आज के दिन अडानी ग्रुप के लिए आते हुए देखने को मिल रही है। साथ ही साथ अडानी ग्रुप अभी सबसे इंपॉर्टेंट अपने डेब्ट को रिड्यूस करने में लगा हुआ है। अगर आपकी बात करें तो अडानी ग्रुप का डेब्ट कंटिन्यूसली हमें डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी कंपनी का सबसे मेन फोकस अपने डेब्ट को रिड्यूस करना ही है। जानकारों के अनुसार अगर अडानी ग्रुप समूह का राजस्व अगर एक बार राजस्व बढ़ने लगा तो कर्ज अनुपात खुद ही कम हो जाएगा और इससे कंपनी के आरामदायक स्थिति में आ जाएगी। अडानी समूह की मौजूदा कर पूर्व आय ₹61,200 करोड़, इसके उलट कंपनी पर शुद्ध रूप से ₹1.8 लाख करोड़ यानी कि करीब $23 अरब का कर्ज है। तो अल्टीमेटली अभी कंपनी का फोकस अपने डेब्ट को रिड्यूस करने में ही है। तो आज के दिन सेबी की तरफ से जो ये न्यूज़ निकल कर आई है ऑफशोर डीलिंग के मामले में सेबी यहां पर जांच कर सकता है, जिसके चलते मंडे के दिन हमें अडानी ग्रुप के शेयर्स के अंदर गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ अगर आपने अडानी ग्रुप की कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो आप यहां पर स्टॉप लॉस के साथ में जा सकते हैं। अभी फ्रेश पोजीशंस को आपको कंप्लीटली अवॉइड करके चलना होगा।